नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने जितनी हमारी स्लीव की लंबाई रखनी है उस हिसाब से हमने कपड़ा कट कर लिया है, अस्तर और कपड़े दोनों पर। और देखिए, जो ये स्लीव डिजाइन है तो पाप वाली स्लीव डिजाइन है, तो जो इसका पाप बनाएंगे उसके लिए भी हमने कपड़ा कट कर लिया है। अब देखिए, पहले सिंपल स्लीव कट कर लेनी है। तो देखिए, इसकी लंबाई हम तैयार 5 इंच रखेंगे, तो 1 इंच से हमने ज्यादा लिया है, 6 इंच पर इस तरह से कपड़ा कट किया है। 3 इंच पर निशान बनाएंगे और सिंपल स्लीव पहले कट करेंगे। कपड़े पर भी रखकर इसे एक साथ ही कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए कट कर लिया है। तो पूरे पर पप नहीं रखेंगे, हाफ पप ये होगा। तो देखिए, यहाँ पर हम 2.5 इंच पर निशान बनाएंगे और इस साइड इसकी गहराई हम 3 इंच ले लेंगे। तो 3 इंच पर निशान बना लेंगे। उसके बाद देखिए, इस तरह इसको गुलाई दे देना है। इस तरह से गुलाई दे देंगे। तो इस तरह देखिए गोलाई दे दिया है। अब देखिए, इसको इस तरह से स्लीव की जो सीधी साइड है कपड़े की, उसी तरह इसको अस्तर को रख लेना है। अब देखिए, जहां से गोलाई का निशान बनाया है वहीं से सिलाई लगा देना है। अब इसे कट कर देंगे। अब देखिए, इस तरह इसको पलट लेना है अंदर की तरफ। इस तरह पलटने के बाद इस पर सिलाई लगा देना है। इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। अब देखिए, नीचे की साइड में इस तरह से कपड़े और अस्तर को मोड़कर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसका पप बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए, इसकी गहराई हमने 3 इंच ली है, तो 1.5 इंच कपड़ा ज्यादा ले लेना है जो पप बनाएंगे उसका। तो इसी हिसाब से हमने ले लिया है। अब देखिए, और लंबाई तो ज्यादा ही लेनी है। और देखिए, इस तरह से आधा आधा इंच की चुनर देते हुए चुनर थोड़ी सी एक दूसरे के अंदर भी करेंगे और इस तरह से चुनर बनाते हुए सिलाई लगा देना है। तो इस तरह देखिए, एक साइड में चुनर बना दिया है। अब देखिए, दूसरी साइड भी इसे पकड़ते हुए सिलाई लगाना है। तो देखिए, दूसरी साइड चुनर, इस साइड चुनर दिया है, तो दूसरी साइड जब सिलाई लगाएंगे तो इसको इस साइड इस तरह से पलटते हुए लगाएंगे। इस तरह से देखिए इसको पलट देना है। इस तरह देखिए सभी चुनटों को बना दिया है। अब देखिए, इसको इस तरह से यहाँ पर सेट कर देना है। अच्छे से मिलाएंगे, उसके बाद इस पर सिलाई लगा देंगे।
अब देखिए जो ज़्यादा कपड़ा आएगा उसे कट करना है, तो देखिए जहाँ से सिलाई लगाई है वहाँ से नहीं कट करना है, नहीं तो इसकी जो नटें खुल जाएंगी। तो इस तरह देखिए इसका पाप बन गया है, दूसरी भी हमने बना ली है। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।